क्वेश्चन पे है। एंड आज की जो वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जिसको गार्डन पसंद है और छोटा फ्लावर पौधे जो भी है वो यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे एक्चुअली वीडियो बनाने वाला नहीं था, बट मुझे जब यहाँ पे देखने को मिला तो मेरा माइंड में आया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम ओपन एरिया है, और ये जो फ्लावर्स है ये हमको खरीदने को मिलता है, इसी का 1500 और 2000 तक भी आपको देना पड़ता है, बट यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही है, और भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पे एक और है, ये देखिए, इसका भी कॉस्ट प्राइस मिनिमम 600-800 के ऊपर लगता है, जो कि हम जो जहाँ पे मिलता है ख़रीदने को वहाँ पे हम जाएंगे तो इसका भी लगता है। तो आपको 2 दिखा दिया, तो गाइज एक और है यहाँ पे, देखिए ये भी है, मतलब यहाँ पे आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। तो गाइज आपको मैंने दिखा लिया यहाँ का, देखिए ये अभी कितना बड़ा एरिया है, इसमें ना गाइज छोटा छोटा जो फ्लावर्स है पेड़ है काफ़ी ज़्यादा है, और वो देखने के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसको लेके घर जाऊं और घर में मैं रखूं, बस बहुत मज़ा लगता है मुझे भी जो फ्लावर्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो गाइज देखिए यहाँ पे ये भी है, इसका भी मिनिमम हम लोग जब खरीदते हैं मिनिमम भी इसका प्राइस 200-300 के ऊपर है। करीब से आपको दिखाता हूँ मैं, यानी कि ये जो एरिया है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छा अच्छा फ्लावर है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मैं भी लेके जाऊँ कुछ, बट अभी मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो ऐसे आया था घूमने के लिए, और मुझे देखा कि बहुत मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ इसका आप लोग को दिखा सकूँ। तो गाइज यहाँ पर एक और आपको मैं दिखाता हूँ, ये फ्लावर भी नहीं बोलते इसको, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो हर जगह मिलता है, मेरे गांव में मेरे एरिया में भी वहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे ना गाइस आप दिख रहा होंगे यहाँ के पूरा ये एरिया जो है पूरा ओपन एरिया है, यहाँ इसमें कोई खेती नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर इतने सारे फ्लावर्स के पेड़ हैं, और छोटे छोटे जो कि घर में जो गमला टाइप का बना के रखते हैं उसमें लगाते हैं, मतलब उसमें ये सभी हम रख सकते हैं, मतलब जो घर के शो है इससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, देख सकते हो। और एक बार मैं जो ये एरिया है ये एरिया को मैं पूरा दिखाता हूँ आपको, ये बहुत काफ़ी बड़ा एरिया, एकदम सुंदर एरिया है, देखिए ये भी फूल है, ये एकदम ओपन एरिया है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो गाइस वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा रहेगा, एंड वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कमेंट ज़रूर करना, एंड जो भी चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मैंने वीडियो में पूरा यहाँ दिखाने का कोशिश किया है, अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर कोई दूसरी न्यू वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय नेपाल, बाय बाय।